भाईजान किधर की तैयारी है, किधर जा रहे हैं? यार बस बताता हूँ, ये मुझे चीज़ें जब समेटने तो मुझे इधर छोड़ के बताता हूँ किधर जा रहा हूँ। बल्कि बताना क्या है, ब्लॉग देख लीजिए। मतलब व्लॉग आ रहा है? व्लॉग आ रहा है, खुशबू लगा के व्लॉग आ रहा है। चले बंद करें, टीवी बंद करो, फैन ऑफ करो, एसी बंद करो और लाइटें बंद करें। चलो भाई, ले मार भाई, मुझे लाइट तो चलाई ना ताकि नजर तो कुछ है। मुझे अभी पहले छोड़ें जी नाइन से हम दो लोगों को पिक करेंगे, फिर आपने हमें छोड़ना है एक और सर, ठीक है? उनको पिक कर लें फिर बात। वालेकुम अस्सलाम यार, ये दो अदद बंदे आए हैं और इन्होंने आते साथ मेरी ना बेइज्जती शुरू कर दी। यार गरीब आदमी हूँ, उस तरफ से दरवाजा बंद है, नहीं खुलता, लॉक खराब हुआ है यार। तुम मेरी आते साथ इंसल्ट कर रहे हो यार, अजीब बंदे हो। मैंने इसलिए इनको कहा था कि ये ना फुटपाथ के साथ करके लगाओ, ताकि ये उस साइड से खुले ना दरवाजा, ये उस साइड से आए ना, कि इस साइड रास्ता नहीं है, परली साइड से हम जाएंगे। हम तो वो मेहमान हैं जो सामान आके चेक करते हैं, घर छत पड़ी हुई है गंदों पे या नहीं। ये चेक करो यार, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अब ठीक है, हम छोटे मोटे डीलर हैं, कोई 50-60 हज़ार रुपये, मतलब बड़े नहीं यार, मेरा मतलब थोड़े बहुत 5-6 लाख रुपए कमाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस वजह से आपको लैंड क्रूजर से जो ऑटो डोर खुलता नहीं यार, लैंड क्रूजर छोटी बात कर दी है यार, मैं कोई कह रहा था प्लेन श्लेन कोई ले। एक लैंड क्रूजर ऐसे देने, वैसे शहर वगैरह में घूमने के लिए छोटी मोटी, घर से निकल के सौदा सरस लाने के लिए, ये बात ठीक है। अभी किधर कर रहा था? अभी आई एड जा रहे हैं। चले आई जाना है। अब भाई ओ ये ड्राइवर नहीं है मेरे, ये मेरे कजन है। लो जी, यहाँ पे ये किधर लेके आए हो? बुखारी के घर, जिसके साथ जाना है उससे भी मिलवाएंगे, लेकिन पता ये चला कि हमें बाकी दोस्तों के पास आई एड मरकज पर आना था। भाई साहब अभी हम आई एड तो पहुँच गए, लेकिन इशू ये है कि खाना क्या खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो? अफगानी। तुम खिला रहे हो ना? ये कैमरे पे कह रहे हैं, बाद में क्या कर, बाद में क्या पेमेंट करो भाई जान। स्टोरी इस तरह हुई है कि हम यहाँ पे पहुँचे, ये बंदा ना आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मैं बता दूँ यहाँ हम पहुँचे, ये मेरे बड़े भाई ये यहाँ पे नहीं पहुँचे थे, इनकी इन्होंने किट लगाई थी फ़ोन पे कि तुमने लेट किया, और इन्होंने कहा, इन्होंने हिलाल ने कहा, इन्होंने कहा कि वो अभी घर से निकले हैं, उनको आधा पौना घंटा है, और मैंने इनको कहा कि अच्छा चलो मुझे कुछ खिलाओ। अभी हम वहाँ पे ऑर्डर करने लगे थे तो ये यहाँ पे पहुँच गए 2 मिनट। भाई मेरा पानी तुम कैंसिल ना कराओ, खिलाओ अब। अभी इसने देखे आपके सामने कहा था मैं खिला रहा हूँ, अभी ये तो वैसे शादी पे आए हैं, आप कहाँ जा रहे हो, बैग किस लिए लेके आए? ये भाई मुझे पानी रैप खिला रहा था, अभी इसने कहा खिलाऊंगा। ये देखो ऐसे धोखे बाद लोग होते हैं, देखो चेक करो जरा। और ये क्या भेजा है यार? ये आद हो गया है भाई, तुमने कहा था पूरा रैप ज़्यादा क्यों, ये मारेगा मुझे जाके। बड़े प्यार से खिलाऊंगा। ये देखो इसके अंदाज से लगता है ये खिलाएगा, पहले मैं आधा खा लूँ फिर पूरा भी खाना उसके बाद। ये नहीं खिलाएगा मुझे पता है। नहीं यार रैप अच्छा था, अगर किसी ने खाना हो तो ये पीछे अफगान रैप है आई एट मरकज में। फिलहाल थैंक यू, लेकिन इसने आधा खिलाया। लेकिन शुक्र है भाई हमने आधा रैप खाया। क्यों भाई, वजह से पड़ा हुआ है? गाड़ी में है तो पता लगा, पिज़्ज़ा भी पड़ा हुआ है। वो चेक करो कौन आया। वालेकुम अस्सलाम, तो कहाँ खड़ी करें? यहाँ अभी वो दूसरी गाड़ी अंदर। अच्छा ये हमारे साथ हैं बुखारी साहब जरा लाइट हेलो लाइट ऑन कर ले, वरना ज्यादा काले। देखिए नूरानी चेहरा अगर हो तो वो वैसे भी चमकता होता है। अच्छा ग्रेट, ये हसन बुखारी साहब हैं, किसी ने अपने आप को डॉक्टर हसन, मैंने यही बताने लगा था कि कोई बीमार हो जाए तो इनसे कांटेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पिछले दिनों मैंने 12 बजे इनको कॉल की, 12:30 मेरी तबीयत खराब थी, मैं पूछना चाह रहा था मैं कौन सी मेडिसिन लूँ, इन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो इसलिए आप कोई भी कॉन्टेक्ट ना करें, ठीक है? अच्छा ये मशवरे के लिए बिल्कुल मिर्जा भाई है, बैंकर साहब
बैंकर से मिला, बस इससे आगे कहीं नहीं कोई चीज़ बताएंगे क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है। अच्छा ये मिस्टर तलाल हैं, फिनटेक। सादा पे के हवाले से कोई भी मसला परेशानी हो तो इनको ज़रूर गालियाँ दिया करें। और ये हैं अब्दुल्ला मिर्ज़ा, कुछ नहीं करता नहीं यार, ये कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अच्छा ये हलाल हैं, अब ये नहीं पता बस आगे नहीं आगे आपको समझता मैं अच्छा आपको सबको बताता चलूं कि गाड़ी चला रहे हैं डॉक्टर हसन बुखारी, बताते चले जाएं। हाँ हादसे की दुआ सारे पढ़ लो, हादसे से बचने की भाई मतलब उल्टा डॉक्टर पढ़ने की हादसे से बचने के लिए। अच्छा तलाल तुम सफर की दुआ पढ़ लो, पहले से लेके छह कलमे जो है मैं पढ़ लेता हूँ और देखने वाले जो नाजरीन है वो सात सातवां और आठवां कलमा आप लोग पढ़ लें, ठीक है। ले जनाब हम जा रहे हैं आज बाराकोव बाईपास से, और ये जो है ना न्यू इनॉग्रेट हुआ है वो रोड वो है यार, हम नहीं है वो है दोबारा। अच्छा दोबारा दिखाते हैं, देखो दोबारा ये होता है क्या, देखो दोबारा देख रहे अब फिर मुड़ी है। अच्छा ये देखो ये कह रहे हैं भैया कहीं तुम पटवारी तो नहीं हो जो बार बार रोड दिखवा रहे हो। इनको कुछ भी कह रहे हैं आप लोगों में से किसी ने तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं इनके लिए खास तौर पे। भैया ये सीन है, अपनी गाड़ी रिवो निकालूं चेक करो, ये हॉर्न पड़े मैं क्यों हलाऊं, मेरे बाप का रोड है, चेक करो रोड बीच ये देखो चेक करो जरा, फिर खड़ा हो गया वो देखो। और जो नंगे पैर है वो तो फाइनली हम यहाँ पे अंदर आ तो गए हैं लेकिन असल काम तलाल साहब ने अपना शुरू किया, यही काम है और इनके साथ मैंने यही करवाया, मेरा एक प्रोजेक्ट था मैं जो मैं अटैच भी कर दूंगा देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने इनसे यही करवाया था। तो बेसिकली भूरवन में एक ये क्या इसको क्या कहते हैं आप लोग, ये कॉटेज है अपार्टमेंट है क्या है? ये विला है, बुखारी विला है। यहाँ से अगर आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूँ नहीं यहाँ से मजा नहीं आएगा, यहाँ ये व्यू है इस टाइम, बट असल व्यू दिन में आएगा, ठीक है। अभी हम अंदर चलेंगे और क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब खाने का टाइम हो चुका है, यहाँ की बात नहीं मौसम की बात हो रही है बस इतना पॉइंट लगा क्या 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 ब्रो अच्छा ये खा पी तो लिया है तो इन भाई साहब को कहना था कि वो 3-in-1 वाले साशे नहीं पड़े, हाँ तो कहते फिर क्या टेंशन है, ये इनका कहना है कि 3-in-1 वाले जो साशे पड़े हुए हैं कॉफी के तो फिर तो टेंशन ही नहीं कुछ बनाने, और खुद भाई साहब हिल नहीं रहे आप बना रहे आए बुखारी साहब हम आप कॉफी बनाते हैं आज, देखो ये वीडियो के चक्कर में उठ गया वरना ये भी नहीं उठ रहा, चेक करो ये देखो भाई कॉफी रेडी है, डॉक्टर हसन ने कॉफी रेडी कर दी है, और ये देखो ऐसे ना शुक्रे लोग होते हैं अंदर से कुंडी लगा के बैठे हैं खुद लूडो खेल रहे हैं, ये देखो चेक करो ना शुक्रे लोग हैं, ये ना शुक्रे लोग हैं कि हमने इनको कॉफी बना के लेके आए अंदर से कुंडी लगा के, हमें कहते हैं नहीं तुम लोग खुद पी लो हमें नहीं पीनी, ठीक है भाई हम पी लेते हैं बंद रखो आप। ले जी इन्होंने खोल दिए तो अब दरवाजा तो आपने खोल दिया, अब भी वही ऑफर है कि कॉफी हम खुद ही पी लें, पी सकते हैं इससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब ये कॉफी हमने खुद पीनी है इन्होंने नहीं पीनी, हाँ जी डॉक्टर पुत्र तुम अपना चलो ना भैया, ये कोई चीज है सीक्वेंस, ये लोग खेल रहे हैं सीक्वेंस, अभी मुझे कह रहे हैं मुझे क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखी है मुझे कह रहे हैं कि तुम बैठ के देखो ये क्या चल रहा है, अगली जब गेम लगाएंगे तो तुम्हें भी साथ में खिलाएंगे, और इसके बाद वो ये पता क्या करेंगे
क्योंकि मैंने पहली दफा खेल रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा और मुझे कहेंगे ओ देखो हमने हरा दिया, खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, बिगिनर्स लक, बिगिनर्स लक। पहली दफा क्या मतलब? हाँ, जब पहली दफा कोई बंदा नई गेम ट्राई करता है जो उसने पहले ना खेली हो और वो जीत जाता है तो उसको बोलते हैं बिगिनर्स लक। अच्छा, दूसरा ये कि इस गेम में अगर हार जाए तो, अगर हार जाए इसका मतलब झूठ बोल रहा था पहले कहीं खेली हो। ये देखो भाई, इज्जत में सवाल आ गया अब है, मतलब कि पहली दफा खेल रही है तो जीतना पड़ेगा, ये कौन सी लॉजिक है यार? पेटी में क्या हो गया भाई? क्या यार बुखारी तो कह रहा हूँ, और ये मुझे भी बताओ किस बात का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबक, मुझे बताओ ना यार, मैं ताकि मैं भी हंस लूं, वरना यार रोऊं मैं, क्या करूं मैं, कुछ बताओ ना भाई। यार फुल टाइम मैं चेंज करके आया हूँ, और नमाज शमाज अभी मैंने पढ़ी, फ्रेश हुआ थोड़ा सा, और मैंने कहा कि गेम खेलेंगे और इन्होंने मेरे साथ गेम खेला दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमें बाहर जाना, लेकिन बाहर भी मौसम यहाँ से, हाँ यहाँ से नजर आ रहे हैं, फील हो रहे हैं। तो ये गेम मेरे साथ करना चाह रहे थे कि भाई बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने गेम खेलनी थी, तो अल्लाह ताला ने अब इनके साथ गेम कर दी बाहर, तो मौसम अब खराब हो रहे हैं। सुबह बखैर अभी भाईजान, काफी देर हो गई, हाँ वैसे तो दोपहर हो गई है, 12-1 बज गए हैं, काफी देर हो गई है। ये भाई साहब भी आ चुके हैं, ये हिलाल तो अब मुंह नहीं धोया तो अब इसमें क्या कसूर है मेरा। अच्छा अब ये बड़े भाई भी आ चुके हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब अब कवर कर लिए, हटाना है, शर्मा रहे हैं, ये उठने का नाम नहीं ले रहे। उठ जाओ भाई, हेलो फुल टाइम फॉग, ये तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, फायदा यार। अबे बुखारी उठना यार, बुखारी साहब, डॉक्टर साहब उठो, डॉक्टर साहब 1 बजे, ओ भाई 1 से ऊपर टाइम हो गया, 1 से ऊपर टाइम हो गया, चेक करो। 1 बज चुके हैं आपने के 1 बजे या 1:30 बजे? 12:46 वो कह रहा है कि मैंने 1 बजे उठना है, आपने कितने बजे उठना है? अच्छा नहीं उठे तो वो इस तरह वो भी हुए, मतलब कि उठना बेड से उठना 2-3 मिनट। अच्छा ओके ओके यार, और कपड़े लाए भी? ये बताएं, 1 मिनट और कपड़े, वॉशरूम से निकल रहे हैं, हाथ में फोन क्या कर रहे हैं? वो मेरे पॉकेट में था ना, पॉकेट वॉशरूम में क्या मतलब है, नॉलेज नॉर्मल यार। अच्छा हमारे घर तो मना होता है, अच्छा अच्छा फोन लेके नहीं जा सकते। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, और कपड़े लाए भी हो? हाँ। तो वो निकाल लो, क्योंकि तो वो तो गीले हो चुके हैं तुम्हारे कपड़े। ठीक है, सीरियसली मैं समझ लू बात को, रास्ता दे, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, थोड़े से ये भी जगह थी रखने, नाड़ा दिखा दे मेरा। हाँ नाड़ा डाला मैं आज। अच्छा तुम नाड़ा नहीं डालते? ओ पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, रूल्स तो लिख देते हैं लेकिन इनको फॉलो नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, और ये क्या है, हाउस रूल्स थे आप, ये क्या है, ये 3rd लाइन, इफ यू रेंट इट क्लीन इट, तो ये क्या है, हैं? यार ये क्या है? डॉक्टर साहब ये आपको मैं व्यू सामने का दिखाता चलूँ, ये जो सामने है ये जगह, ये है जर्नलिस्ट कॉलोनी, और ये डॉक्टर साहब ये येलो वाला घर किसका? ये गालिबन हामिद मीर साहब का घर है, और ये बाकी सारे भी जो घर हैं वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट के हैं, जर्नलिस्ट के हैं। तो ये किन्होंने दिया था? ये मुशर्रफ साहब ने इनको अलॉट किया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अगली बार समझ जाओ। ये वो लोग हैं यहाँ से सामने से नजर आता है भूलन से। चलो जुम्मे के दिन बंद होती है वो भाई, वो भाई यार निकल, तो हम 1 घंटा पहले गए थे, रास्ते में एक मसला ही हो गया, हम
नमाज पढ़ने के लिए रुक रहे थे और एक भाई साहब ने कोई सीन पार्ट कर दिया, दरवाज़ा मैं खोल रहा था, बाइक ठुका दरवाजे में, वो किसी और गाड़ी में ठुका और फिर हम सब ठुकते बच गए क्योंकि मामला कुछ ऐसे थे, क्योंकि वो जिस गाड़ी में आगे बाइक वाला ठुका था वो कोई सरकारी गाड़ी थी, उसको रुक गया, तो इस वजह से अब थोड़े से हालात नॉर्मल हुए हैं, जब जगह पे आया है तो मैंने कहा चलो अब आगे गए। डॉक्टर साहब मेरी बहुत मुझे छुट्टी नहीं, कैसा फील कर रहे हैं? बम्बू ब्रो अभी सेट हो गए हो, थोड़ी देर पहले कुछ और था है। फाइनली वी आर बैक टू इस्लामाबाद और ये फ्यूल जो है जब से मरी से निकले हैं रिजर्व की लाइट शो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है नहीं हम सीधा घर जाएंगे, पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। हाँ घर से फिर हम बांध के लाएंगे गाड़ी है, ऐसा ही है दो गाड़ियाँ। चलो जी हम पहुँच तो गए हैं, और जब ऐसे लग तो ठीक रहा है दरवाज़ा, कुछ हुआ था इसको? खैर ये शुक्र है ये पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ, धक्का नहीं लगाना पड़ा रास्ते में, हम खैर खैरी से पहुंच गए। अब सामान उतार के, ये बैग मेरा है एक और बुखारी साहब का, तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग। ओके बुखारी, ओके अल्लाह। बस ना बस ना बस।